हमने एक बीकर में थोड़ा पानी लिया, इसमें कॉपर सल्फेट डाला। अब हम इसका कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। ठीक, सॉल्यूशन हम ऐसा तैयार करेंगे जिसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि हम इसमें कॉपर सल्फेट थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि कॉपर सल्फेट घुलना बंद हो जाएगा, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो थोड़ा हमने अभी डाला, गर्म हो रहा है, और डालते हैं थोड़ा 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 करके डालना शुरू करते हैं जब तक ये पूरा घुलना बंद ना हो जाए, तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और उसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे जिससे कि घुल जाए। तो देखो, हमने काफ़ी कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बना दिया है, संतृप्त विलयन की तरह है, काफ़ी घुल गया है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करते हैं, साथ में हमने एक लकड़ी में थोड़ा धागा बांध दिया है, इसको इसमें डाल देते हैं और ठंडा करते हैं। फिर देखते हैं 5-10 मिनट बाद क्या दिखता है हमको। ठीक है, इनको हमने ठंडा कर दिया है। अब देखेंगे यहाँ पर, इसमें हमने एक धागा डाला था, मैं इसको निकालता हूँ ऊपर को। ये क्रिस्टल जमा हो गया कॉपर सल्फेट के, देख रहे, खाली ऐसे धागा डाला था ना, तो क्या हुआ, ये सारे जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ठंडे हो गए, इसमें जमा हो गए। ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन संतृप्त विलयन था, इसमें आप देखेंगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल पूरे तैयार हो गए। अभी और ठंडा होगा तो फिर हार्ड हो जाएगा। इस तरह से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, ये शुद्ध रूप में आ गए। अगर कोई इम्प्योरिटी भी होगी तो ये सॉल्यूशन में रह गई होगी, और इस शुद्ध रूप में इस तरह से क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है।